आज नागपुर के सदर इलाके में लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन की ओर से राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन किया गया है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में इंश्योरेंस एजेंट्स उपस्थित थे, जिनके द्वारा जोरदार नारेबाजी की गई। आज LIC का स्थापना दिन है। इस अवसर पर शाखा 9 के इंश्योरेंस एजेंट्स द्वारा राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन के तहत कई मांगे रखी गई है। इस विषय में उन्होंने अपनी शाखाओं को ज्ञापन भी दिया और जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने का निवेदन भी किया। पॉलिसी होल्डर बोनस आज हम यहां इकट्ठा हुए हैं अखिल भारतीय हमारी एजेंट फेडरेशन के कॉल पर। पॉलिसी होल्डर के फेवर में क्या होने चाहिए, एजेंट के फेवर में क्या होने चाहिए, ये आज का दिन जो है LIC का स्थापना दिवस है और दुर्भाग्यवश हमें इसी दिन आगे आना पड़ रहा है। हमारी मांगे जो है वो हमने ज्ञापन दे दिया है हमारे शाखाओं को, डिवीज़न ऑफिस को, सेंट्रल ऑफिस तक के। और कब तक चलेगा ये मोर्चा? ये मोर्चा आज से हमने शुरू किया है और 30 नवंबर तक का कॉल दिया है। कहाँ कहाँ चालू है मोर्चा? ये पूरे अखिल भारत में शुरू है। 5 तारीख को हमारा पूरा प्रीमियम लेना वगैरह सब बंद रहेगा, कोई भी काम नहीं होगा LIC की शाखा में। ये देशव्यापी आंदोलन शुरू हुआ है। आज हमारे 13 लाख एजेंट कार्य कर रहे हैं। हम लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। समस्याओं को दूर करने के लिए यह देशव्यापी लगभग 2048 ब्रांच में और 1550 CLI ब्रांच में, सैटेलाइट ब्रांच में यह आंदोलन किया जा रहा है। ये हमारे एजेंटों के हित के लिए हम लोग इसको कार्य कर रहे हैं। आज नागपुर से कैरियर एजेंट ब्रांच से सभी एजेंट भाइयों को, देश के सारे एजेंट भाइयों को मैं आह्वान करता हूँ कि आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाले समस्याओं से लड़ने के लिए हमारा एक ही उद्देश्य है कि अगर बोनस पॉलिसी होल्डर का बोनस बढ़ेगा और हम लोग बोनस बढ़ने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पॉलिसी होल्डर को दिलाएंगे तो हम लोगों का बिजनेस बढ़ेगा। आज 66 साल से LIC के हम पिल्लर बने हुए हैं। आज हमारे नींव पर ये LIC चल रही है, लेकिन आज LIC मैनेजमेंट हमारे एजेंटों की कई भावनाओं को समझने से दुर्लक्ष करती है। इस दुर्लक्ष को हम लोग करने के लिए, हमारी बातों को रखने के लिए यह आंदोलन आज LIC के जन्मदिवस पर ही हम लोगों ने आयोजित किया है और आने वाले समय में 1 सितंबर से 30 नवंबर तक यह आंदोलन चलता रहेगा। यह आंदोलन शांतिप्रिय है। यह आंदोलन हमारे मैनेजमेंट के साथ में है और मुझे आशा है कि आने वाले समय में जल्द ही जॉइंट एक्शन कमेटी के हमारे चेयरमैन साहब बुलाएंगे और इस पे जल्द से जल्द डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना। और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना। मसालों में मसाले अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले।